नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं रशिया में कैसे सरवाइव कर रही हूँ विंटर्स। अभी आप देख सकते हैं कि मैं एक नॉर्मल टी शर्ट पहने घर में घूम रही हूँ, जबकि बाहर का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड हीटर्स हैं, तो जैसे ही सर्दियाँ, जब ऑटम आया था अक्टूबर के टाइम, सर्दी आने से पहले, तभी ये हीटर्स ऑन हो गए थे। और ये हर घर में होते हैं सेंट्रलाइज हीटर, आपको बस अपनी खिड़कियां बंद रखनी है और ये पूरे घर को वार्म रखते हैं। तो घर के अंदर आपका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, और बाहर है माइनस में। तो मैं आपको वो हीटर्स दिखाती हूँ कि वो कैसे होते हैं, और मैं आपको आज के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पे इन सर्दियों में कैसे इन सर्दियों को सर्वाइव करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। मैं आपको खिड़की खोल के दिखाती हूँ कि बाहर का टेम्परेचर अभी कितना ज्यादा ठंडा है। देखिए, ये आपको जो वाइट वाइट दिख रही है, ये पूरी बर्फ है, और मेरी खिड़की पे भी बर्फ है। ये देखिए, मुझे अंदर बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। क्यों? तो ये होते हैं हीटर, ये सेंट्रलाइज्ड हीटर है, यानी हर घर में आपको देखने मिलेंगे। तो इंडिया में, मैं राजस्थान से हूँ, जो कि हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है, जहाँ पे समर्स में टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेल्सियस तक भी जाता है। और वहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस पे रह रही हूँ इन रशिया, विच इज़ लाइक वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पोल्स अपार्ट है, डिफिकल्ट है इतने कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव करना। तो मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए चाय बनाने, और सर्दियों में यहाँ पे क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा माइनस में है टेम्परेचर, तो आपको हॉट ड्रिंक्स पीती रहनी चाहिए। मैं यहाँ पे अभी गर्म पानी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ, ताकि मेरी बॉडी वार्म रहे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैं खाती हूँ, और बहुत सारी खाने में ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा इनटेक कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप मीट खाइए, मीट से एनर्जी, मतलब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है बॉडी में। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आप दूसरे सोर्सेज जो होते हैं, जो कि हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो खाएं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सर्दियों में। आप सूप भी पिया करें, वो भी बहुत हेल्दी होता है। तो मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने, और चाय पत्ती डाल देती हूँ, मेरा पानी एकदम गर्म हो चुका है। तो मैं इस चाय में मैंने डाली है इलायची, और अब मैं डाल रही हूँ दूध। अगर आप चाय और कॉफी नहीं पीते तो आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। तो गाइज, अभी शाम के 5 बजे हैं, और देखिए कितना ज्यादा अंधेरा हो चुका है, जैसे रात हो चुकी है। तो यहाँ पे यही होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया खिड़की खोल के, कि अभी सिर्फ 5 बजे हैं शाम के, और इतना ज्यादा अंधेरा हो गया है, जैसे रात हो गई है। यहाँ पे यही होता है, यहाँ पे सूरज तो मेरे को 1 महीने से देखने नहीं मिला है। और हमारे इंडिया में सर्दियों में एटलीस्ट ये होता है कि हम सन बाथ ले लेते हैं। विंटर्स का बेस्ट पार्ट यही होता है कि हम सन बाथ लेते हैं, सूरज में बैठते हैं। तो यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, उसके लिए हमें विटामिन डी की जो टैबलेट्स होती है, हम वो लेके उस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। और सुबह के 6 बजे यहाँ पे सुबह हो जाएगी, और शाम के 4 बजे यहाँ पे रात हो जाती है। बहुत छोटा दिन होता है और बहुत लंबी रात होती है, तो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा ही है। तो मैंने अपना फेस धो लिया है, और विंटर्स में स्किन केयर के लिए मैं सबसे पहले ये सीरम लगाती हूँ। विंटर्स में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आपको आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखना चाहिए, ताकि वो विंटर में फटे ना। उसके बाद मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे सूरज हो या ना हो, आपको सनस्क्रीन हमेशा लगानी चाहिए। और अब मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि मेरी एक क्लास है। और मैं आपको बताती हूँ कि हम घर से बाहर निकलने से पहले मल्टी लेयर्ड कपड़े पहन के जाते हैं, ताकि हमें बिल्कुल भी सर्दी ना लगे। तो सबसे पहले अंदर तो होते हैं आपके इनर्स, जो कि हम हमेशा पहनते हैं, फिर उसके बाद होते हैं थर्मल्स, और उसके ऊपर होते हैं हमारे नॉर्मल स्वेट शर्ट या हुडी एंड जीन्स, एंड उसके बाद हम लेते हैं एक हैवी कोट, फिर हम अपने स्कार्फ,
फिर कैप ग्लव्स वगैरह पहनते हैं और डबल लेयर सॉक्स पहनते हैं एंड देन बूट्स पहनते हैं, स्नो बूट्स, ताकि मैं बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो मैं आ गई हूँ बाहर और मैंने इतना सब कुछ पहना है, मल्टी लेयर्ड कपड़े पहने हैं, ये एक हैवी जैकेट है, स्कार्फ है, कैप है, ग्लव्स पॉकेट में है। तो जब आप इतना सब कुछ पहन लेते हो तो आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती।